नमस्कार दोस्तों, सर राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, आज हम बात करेंगे हम आनंद संवत्सर के बारे में, अर्थात जो नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है। कुछ विशेष राशियां हैं जो इस संवत्सर ज्यादा प्रभावित रहेंगे, उन्हीं की चर्चा खास तौर से हम इस वीडियो में करेंगे, और वो भी हमारा विशेष मुद्दा होगा इन्फेक्शन और एलर्जी को लेकर। कौन सी वो राशियां हैं जिनमें ज्यादा इन्फेक्शन और एलर्जी होने के चांसेज हैं? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी राशियां हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्शन और एलर्जी से जल्दी प्रभावित होती है, जिनमें बुध की राशि है, अर्थात मिथुन और कन्या, और दो राशियां हैं जिसमें से एक मंगल की अर्थात वृश्चिक राशि, दूसरी बृहस्पति की मीन राशि। यह राशि अक्सर इन्फेक्शन और एलर्जी की चपेट में आ सकती है अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। दूसरी स्थिति होती है कि गोचर के अनुसार कुछ राशियां परेशान होती हैं। राहु और केतु इस समय कुछ दिनों पहले ही परिवर्तित हुए हैं। आज हम राहु और केतु के संबंध में आनंद संवत्सर में क्या स्थिति रहेगी पंचांग लेकर बैठे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज, जहां पूरी दुनिया में कोरोना हाहाकार मचाए हुए है और बुखार और इन्फेक्शन एलर्जी की बीमारियां काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उसमें भी आपको हम बताएंगे कि क्या कारण है कि पहले भी ऐसे हुआ करता था कि बीमारियां अपना प्रभाव मनुष्यों पर करती थी और मनुष्य उसके लिए क्या उपचार करता था। मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी अर्थात मेरी दादी जी कहा करती थी कि घर से बाहर बच्चे नहीं जाएंगे। कारण होता था कि सर्द का मौसम समाप्त होकर गर्मी में प्रवेश करने का समय है। नवरात्रि के समय में बच्चों को विशेष रूप से घर के अंदर ही रखने की कोशिश की जाती थी। इन्फेक्शन और एलर्जी का यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली महीना कहा जाता है। इस महीने सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और एलर्जी होता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है यह बीमारियां अपने आप कम होने लगती हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने 9 दिन का व्रत रखा। इन 9 दिनों में मनुष्य व्रत रहकर अर्थात सूक्ष्म आहार करके अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता था। नॉर्मली लोग व्रत में ढेर सारा फलहार करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग व्रत में सूक्ष्म आहार लिया करते थे और यह क्रिया कहीं न कहीं शरीर को मजबूत करने में अति सहायक होती थी। अब हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जो राशियां इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं इन्फेक्शन और एलर्जी से। नॉर्मली केतु को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन और एलर्जी का कारक माना जाता है, साथ में राहु भी इस तरह की बीमारियों को प्रभावशाली रूप से मनुष्य पे प्रभाव डालते हैं। दूसरी चीज, राहु और केतु के द्वारा जो बीमारियां आती हैं वह शारीरिक के अलावा मानसिक भी अधिक होती हैं, और इनकी बीमारियों का इलाज भी उतने अच्छे से मनुष्य के पास नहीं होता। साथ में राहु और केतु का जब प्रभाव होता है तो मनुष्य का डायग्नोस अच्छे से नहीं हो पाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी जातक को बीमारी कुछ और थी, डॉक्टर ने किसी और चीज का इलाज कर दिया। ऐसे लोगों की कुंडलियों में मैंने जो अनुभव पाया है, राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा जरूर रही है। इसी संबंध में आज हम इस वीडियो में
कुछ उपचार आपको बताएंगे और साथ में वो राशियां आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा राहु केतु से प्रभावित होने वाली है। पंचांग हम लेकर आप लोगों के सामने बैठे हैं। पंचांग में राहु वृष राशि पे है। सबसे पहले हम कहेंगे वृष राशि और सामने वाली राशि अर्थात मिथुन राशि खास तौर से इस चीज के लिए सतर्क रहे। वृष राशि जिस पे राहु स्वयं विराजमान है, अपने से दूसरे नंबर की राशि पर राहु अपना विशेष प्रभाव डालते हैं, जिससे कोई न कोई परेशानी या नुकसान होने की संभावना रहती है। साथ में इनकी दृष्टि जा रही है कन्या राशि पे। हमने आपसे कहा था कन्या राशि भी इन्फेक्शन और एलर्जी के लिए प्रभावित रहती है। राहु अपना प्रभाव इसमें मिथुन और कन्या दोनों पे डाल रहे हैं। साथ में इस समय वृष राशि में विराजमान है। ये तीन राशियां अपने आप में ज्यादा पीड़ित हो सकती हैं। एक बात मैं और कहूंगा, अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी सी भी जानकारी है और आपने अपने लग्न का मालिक जान लिया या लग्न की राशि जान ली, तो आप हमारे बताए हुए फल को और अधिक से समझ पाएंगे। अब इसके बाद वृश्चिक राशि। राहु की सातवीं दृष्टि वृश्चिक पे आ रही है। वृश्चिक राशि में केतु भी विराजमान है। इन अर्थों में दोनों स्थितियों से यह राशि अपने आप में ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि भी है और केतु भी वहां पर विराजमान है। और उसके बाद मकर राशि। मकर राशि को भी इन्फेक्शन और एलर्जी होने के पूरे चांसेस हैं। कारण यह है कि शनि वहां पर विराजमान है, साथ में राहु की नवमी दृष्टि भी है। राहु की दृष्टि के संबंध में कहा जाता है यह छाया ग्रह है, इनकी दृष्टि भी आदमी के शरीर के साथ साथ मना ही स्थिति पे ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, ये राशि वाले अपने मना स्थिति को मजबूत करें। अंत में हम विशेष उपचार आपको जरूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं केतु से प्रभावित होने वाली राशियां। केतु वृश्चिक राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है, अतः यह देखिए कौन कौन सी राशि पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि और अपनी पिछली राशि अर्थात तुला राशि पर, इन दो राशियों पर केतु अपना प्रभाव डालेंगे। और मीन राशि पर इनकी पांचवी दृष्टि है, मीन राशि भी इन्फेक्शन और एलर्जी के चपेट में आएगी। जिन राशियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह राशियां राहु और केतु के प्रभाव में है और राहु केतु इन्फेक्शन और एलर्जी के कहीं न कहीं सबसे ज्यादा कारक है। और उसके बाद वृष राशि। वृष राशि के बारे में हमने पीछे भी बताया, राहु विराजमान है, केतु की सातवीं दृष्टि भी जा रही है। इस नाते वृष राशि वाले सावधान रहे, इन्फेक्शन और एलर्जी का पूरा प्रभाव इनके ऊपर देखा जा सकता है। और कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जिस पर इस समय केतु की नवमी दृष्टि पड़ रही है। कर्क राशि वाले खास तौर से कर्क राशि फेफड़े का स्वामी है, सर्द और गर्म की बीमारियों का कारण है कर्क राशि। इस पे केतु की नवमी दृष्टि जा रही है, अतः आप लोग विशेष तौर से इन्फेक्शन और एलर्जी से बचे रहें। यह आनंद संवत्सर में हमने राहु और केतु की दृष्टियां और राहु केतु के स्थित होने से प्रभावित होने वाली जो राशियां थी, इसके बारे में आपको हमने बताया। ऐसे तो 12 राशियों को ऊपर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक उपचार अवश्य बताते हैं। नॉर्मली जब भी इन्फेक्शन और एलर्जी का मौसम आता है, तो सबसे पहली चीज एक चीज जान लीजिए, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताया गया उपचार है कि आप कोशिश करें बहुत कम से कम चीजों को ग्रहण करें, अर्थात भोजन लें। यह तरीका व्रत के रूप में
हार्डली यूज किया जाता था, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम लें। और दूसरी बात, कोई भी चीज लें उस मौसम के अनुकूल ही लें, जो जिस मौसम में पैदा हो उसको उसी मौसम में ही खाना चाहिए। जैसे आम अभी आपके पास पक के नहीं आया है और लोग पके हुए आम लेकर उसको बकायदे बर्फ वगैरह डालकर सेक पी रहे, यह आपके लिए घातक हो सकता है। ऐसी कोई गलती आप न करें। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन और एलर्जी के लिए किस देवता की पूजा करें। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, हनुमान जी की पूजा या शंकर जी की पूजा या माता शीतला की पूजा इस बीमारियों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। आदिकाल से लोग नीम के पेड़ में इस मौसम के बुखार होने से जल डाला करते थे। बीमार आदमी के सर से 5 बार, 3 बार या 7 बार जल को घुमाकर ले जाकर नीम के पेड़ में डालते थे और माता शीतला से प्रार्थना करते थे कि बीमार बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। नीम अपने आप में बेहतरीन एंटीबायोटिक है, इसी नाते नीम को संरक्षित किया जाता था। नीम में शीतला देवी का वास माना जाता था। जो भी बालक बीमार हो उसे ले जाकर जल 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाकर नीम के पेड़ में डाला जाए, इससे बालक स्वस्थ होगा। और जब भी घुमाए लोटे में लेकर जल को, सर में एक बार टच कराए, फिर घुमाए, फिर टच कराए, फिर घुमाए, ऐसे 7 टाइम करना है। और जल को ले जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के ही उपचार में बालक धीरे धीरे, या कोई भी व्यक्ति बीमार है इंफेक्शन एलर्जी से, वह स्वस्थ होने लगेगा। इस वीडियो में हमने आपको उपचार के साथ साथ राहु केतु की स्थिति के बारे में बताया। आपके मन में कोई प्रश्न हो, हमारे चैनल ज्योतिष पंचांग के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को छोड़ सकते हैं। आपको हमसे बात करनी हो ये नंबर पर फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।